नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली में सुबह 11 बजे से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, एक हफ्ते में दूसरी बार हो रही बैठक, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायदें। सीमा पर भारत चीन में तकरार जारी, नए सैटेलाइट इमेज से घुसपैठ पर खड़े हो रहे सवाल, भारतीय सेना ने भी सीमा पर संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, भोपाल में एक दिन में 44 नए मरीज मिलने से हड़कंप, ग्वालियर में एक कोरोना मरीज भी गवाई जान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जंग, दिग्विजय सिंधिया जैसे दिग्गज मैदान में, सभी सीटों पर 19 जून को होगा चुनाव। मध्य प्रदेश में खाली सीटों पर उपचुनाव के लिए पीके के सहारे, कांग्रेस 24 सीटों पर उपचुनाव के लिए लेगी सहारा, चुनाव की तारीखों का इंतजार। मध्य में पुजारियों की रोजी रोटी पर संकट, कांग्रेस बोली 8 जून से पहले खुले मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर के दान में आई भारी कमी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में, लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनातनी जारी है, चीन सैनिकों की घुसपैठ के बाद से भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों देशों के बीच इस मसले को बातचीत को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हुई, मसले पर डिविजनल कमांडर स्तर यह तीसरी बैठक है और इससे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों की कई मौके पर बातचीत हो चुकी है। LAC पर तनाव कम करने के लिए सेना के साथ साथ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। वहीं नए सैटेलाइट में जाने के बाद LAC पर चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ताजा जारी सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक संख्या में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5,000 से अधिक चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया, क्योंकि यहां कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के पाले में है। सिंधिया अकेले बीजेपी के पास नहीं गए, बल्कि 20 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार को आउट कर दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मैदान में हैं। कोरोना वायरस से चल रही देश की जंग के बीच चुनावी गतिविधियां भी अमल में आने लगी है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। सभी सीटों पर 19 जून को चुनाव कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। इस तरह से शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,684 हो गई है, मृतकों की संख्या भी 60 हो गई है। मंगलवार को पॉजिटिव मिले मरीजों में 4 लोग सैफिया कॉलेज और 3 मरीज प्रभु नगर के हैं। दूसरी ओर 33 मरीज कोरोना को हराकर अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। शहर में अब तक 1,189 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, एक और लॉकडाउन 5.0 जहां पर इतनी रियायतें दे दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, 43 नए मामले फिर से नए सामने आए हैं। देखिए, जैसे कि रोज प्रतिदिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोरोना जांच की सैंपल है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ाई जा रही है इसके कारण। पर हम बात करें तो मंगलवार को 1,393 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें 43 लोग संक्रमित पाए गए थे। पर हम उसकी बात करें तो कुल संख्या यहाँ पे राजधानी की बात करें तो 1,554 हो गई है। अब तक 59 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सोमवार को राजभवन में भी कंटेनमेंट एरिया को भी फ्री कर दिया गया है, वहां से कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता भी फैल रहा है और लोग अपना जो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, उनके अंदर वायरस है कि नहीं है, ये सभी की जांच कराने के लिए वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। लगातार सरकार के द्वारा उन गली मोहल्लों में जाकर या छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहां जाकर इसका जांच की जा रही है, उनका सैंपल लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा जांच होने से यहाँ जो पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जी विवेक, ये तो अच्छी बात है कि जांच ज्यादा से ज्यादा हो रही है। प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है,
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है उसको लेकर कितना अलर्ट है ये लोग? देखिए, अगर हम बात करें आपको, मैं एक भोपाल राजधानी के कुछ ऐसे एरिया का नाम बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा संक्रमित है और लोग यहाँ पे प्रतिदिन की बात करें तो एक से दो कोरोना मरीज मिल ही जाते हैं। जिसे हम आपको बताना चाहेंगे, अशोका गार्डन जो ओल्ड भोपाल के रूप में ओल्ड भोपाल में कहलाता है, उसका जो एक एरिया है सैफिया कॉलेज हो गया, उसके बाद ग्रीन सिटी अस्पताल हो गया, साथ में काजी कैंप, टेला जापान, पूरा जाट खेरी, बरखेरी, जहांगीराबाद, ये ऐसे एरिया है जहां आपको एक से दो कोरोना मरीज प्रतिदिन मिली जाता है। और सरकार की तरफ से लगातार इस सभी एरियों को एक कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। लगातार प्रशासन वहां मुस्तैद है, डॉक्टर वहां रोज प्रतिदिन वहां के लोग के भी जाकर उनसे बात करते हैं और उनके सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए भेजा जाता है। और कहीं ना कहीं जांच की संख्या बढ़ने से मध्य प्रदेश में भी कोरोना का जो एक संख्या वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी विवेक, अगर हम सीमाओं की बात करें, सीमाएं खोल दी गई हैं, जो अन्य राज्य से लोग, प्रवासी मजदूर जो वापस आ रहे हैं, लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या उनके क्वारंटीन सेंटर्स की ठीक ठाक व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 8420 मामला है जो अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें 4000 करीब लोग सही भी हो चुके हैं और कुछ जो एक्टिव केस है वो अभी भी बना हुआ है। जो प्रवासी मजदूर है या लोग है, क्योंकि आप पता है कि सरकार की तरफ से भी एक गाइडलाइन दे दी गई है कि कोई भी किसी भी राज्य में बिना किसी ई पास के जा सकते हैं, तो इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी में है। वहाँ स्टेशन के पास ही डॉक्टर, पुलिस कर्मी सभी वहाँ पर खड़े होकर जो आते हैं उनका आधार कार्ड, उनके टिकट और उनको उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। अगर थर्मल स्क्रीनिंग में थोड़ी भी गड़बड़ी पाई जाती है, उनका अगर शरीर का तापमान अगर बढ़ा हुआ पाया जाता है, तो उनको तुरंत क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। और क्वारंटाइन की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्वारंटाइन जो एरिया बनाया गया है, स्कूल, कॉलेज, इन सभी को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके उस क्वारंटाइन एरिया को वहाँ पर रखा गया है। और साथ ही वहाँ के आसपास प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया कि कोई भी क्वारंटाइन में जो व्यक्ति रहते हैं वो बिना अनुमति के बाहर न जा सके और उनके जरिए संक्रमण न फैल सके। क्योंकि संक्रमण की बात करें तो ये संक्रमण जो है सोशल जो एक मेल मिलाप होता है, एक क्रिटिज्म जो बना हुआ है उसके तहत न फैले। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंगलवार को 44 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मध्य प्रदेश में और लगातार ये संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा भोपाल के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर ज्यादा संक्रमण का खतरा फैल रहा है, उनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और डॉक्टर्स वहां पर, प्रशासन तैनात है और पूरी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या और कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी, लेकिन अब आधी हो गई है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत है, जो ये संदेश दे रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर राहत दे रही है, क्योंकि मरीजों की बढ़ती संख्या अगर डरा रही है तो ठीक होने वालों का आंकड़ा भी सुकून दे रहा है, जो सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी हौसला बढ़ा रहा है और ये संदेश दे रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है और लड़कर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। भारत अगले 5 दिनों में एक माइलस्टोन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। रिकवर हुए केसों का आंकड़ा सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फाइनल प्रिंट में नियम में बदलाव, राज्यों के डेटा के साथ दिक्कतें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी जानना जरूरी है। 14 मार्च को जब भारत में सिर्फ 100 केस थे, तब भारत का रिकवरी रेट 10% था। covid19india.org के दैनिक केस डेटा के विश्लेषण के मुताबिक अब कोरोना से सही होने की दर बढ़कर कुल केसों के आधे तक पहुँच गयी है। हर दिन अब भारत में 8000 नए केस जुड़ रहे हैं, जबकि कोरोना से ठीक होकर 4000 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, वहीं 200 मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी, अब रिकवरी और सक्रिय केसों की मौजूदा बढ़ोतरी दर को देखें तो रिकवर्ड केसों की संख्या अगले 5 दिन में कुल सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। हालांकि ये सहज राष्ट्रीय ट्रेंड
राज्यवार आंकड़ों में दैनिक आधार पर बड़ी गलतियों को छिपाता है। भारत का रिकवरी रेट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की लाइन के मुताबिक है, लेकिन यह उन देशों की तुलना में भारत को अधिक ठीक हालत में रखता है, जहां भारत की तरह केसों की संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। अधिक केसों वाले देशों, खास तौर पर वो जहां अभी केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनके मुकाबले भारत का रिकवरी रेट ऊंचा है। साथ ही सक्रिय केसों का रिकॉर्ड केसों में रेशियो भी कम है। बढ़ती रिकवरी और कम मृत्यु दर भारत के लिए राहत की खबर है। फ्रांस और जर्मनी के बीच रिकवरी रेट में बड़े अंतर हैं। मोटे तौर पर फ्रांस में कहीं अधिक मौत की वजह रिकवरी रेट कम होना ही है। अगर हालात इसी तरह बने रहे तो भारत में रिकवरी रेट बढ़ना जारी रहेगा। फोकस नए संक्रमणों को कम हासिल करने की कोशिशों और गंभीर केसों के क्लिनिकल मैनेजमेंट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जीत होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। लॉकडाउन से एक तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ मंदिरों के पुजारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। लॉकडाउन में श्रद्धालुओं के मंदिर ना आने से दान पेटियां खाली हो गई हैं और मंदिर समिति परेशान है। अब केंद्र सरकार ने 8 जून से मंदिरों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस मांग कर रही है कि मंदिरों को 8 जून से पहले खोला जाए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं, जिसका लोगों की आस्था के केंद्र यानी मंदिरों पर भी इसका असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते भक्त मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और ना ही कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती अल्प प्रवास पर आज मुरैना पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी समुद्र की भांति है, वह कभी अपनी सीमा लांघकर किसी दूसरे के पास नहीं जाती, बल्कि छोटी मोटी नदियां घूम फिर कर समंदर में समा जाती हैं। उमा भारती ने यह बात सिंधिया सहित 22 समर्थकों के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी में चल रहे अंत कलह के सवाल पर कही। उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आने वाले समय में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। पूर्व में भी दीदी प्रज्ञा सिंह ने उन्हें बड़े मतों से हराकर जनता में उसके वजूद को सबके सामने ला दिया। केवल दिग्विजय सिंह से ही नहीं, बल्कि आज जनता कांग्रेस से भी किनारा करने लगी है। प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की प्रथम वरीयता पर वोट सिंधिया के लिए किया जाएगा, यह आदिवासी समुदाय से आने वाले उम्मीदवार के लिए। उमड़ उमड़ के सागर में जाके मिल जाती है, तो वो सागर तोड़ फोड़ थोड़ी ना करता है समुद्र, नदियाँ खुद ही उसमें जाके समा जाती हैं। आज बीजेपी एक समुद्र हो गई है, नदियाँ उसमें समा रही हैं। तो ये बिना चुनाव लड़े हुए भाजपा अपनी को बीजेपी के लोगों को क्यों मंत्री बना रही है? अब राजनीति है, राजनीति में आपको देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए रास्ते निकालने पड़ते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि प्रदेश खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे, और उसके लिए हमें जिसका भी साथ देना होगा, जिसको मंत्री बनाना होगा बनाएंगे, नहीं बनाना होगा नहीं बनाएंगे। इंदौर नगर निगम कोरोना वायरस महामारी के अनलॉक 1.0 के बीच मुफ्त राशन का वितरण रोक रहा है। उन्होंने लॉकडाउन के मार्च चरण में मुफ्त राशन का वितरण शुरू किया था। इंदौर नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि हमने 21-22 लाख पैकेट बांटे और अब औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें को खोलने का काम शुरू हो गया है, इससे इसकी जरूरत नहीं है। कई सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हुए हैं, लेकिन उसके अलावा अपने पीडीएस शॉप्स भी खुल गए थे, तो इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत भी कम हो रही थी, और अब अनलॉक 1 का फेज शुरू हो गया है तो अब इसकी आवश्यकता भी कम। कब से बांटा, कितना अप्रॉक्स बांट दिया होगा? नगर निगम ने इसकी शुरुआत मार्च के महीने से की थी, मार्च अप्रैल और मई में बांटा। इसमें कई सारे लोगों ने जनसहयोग भी किया, तो लगभग 28 से 29 दिन हम लोगों ने इसे जनभागीदारी से भी चलाया, और उसके बाद SDRF के फंड से इसको हम लोग कंटिन्यू कर सके, और लगभग जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वो अराउंड 21-22 लाख के करीब। खबर मध्य प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां सीएम के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले सभी योद्धाओं की पैदल रैली निकाली गई, जिसमें कोरोना से निपटने के नारों का गगनभेदी उद्घोष किया गया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से निकलकर पुलिस थाना कुक्षी में समाप्त हुई, जिसमें सभी सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक दलों के नेता, मीडियाकर्मी शामिल हुए। SDM ने समापन भाषण में सभी कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की।
डबरा के सिंध नदी बेलगाड़ा रेत घाट पर चल रहे लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन पर डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे की अगुवाई में सिटी पुलिस थाना प्रभारी और प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी से रेत निकालने वाली 5 पनडुब्बियां सहित 2 रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद नगर पालिका की सहायता से इन पनडुब्बियों को जेसीबी मशीन से नष्ट कर दिया गया। थाना परिसर में रखवाकर जब्ती कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि डबरा अनुविभाग के लंबे समय से चल रहे बेलगाड़ा रेत घाट पर अवैध उत्खनन की कार्रवाई की सूचना सिटी पुलिस को लंबे समय से मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आपका ध्यान किधर? पनडुब्बी चल रही है और ट्रैक्टरों में लोड होके रेत जा रहा है। सूचना पर टीआई डबरा सिटी को रवाना किया गया, घेराबंदी की गई। पनडुब्बी चलाने वाले नदी में कूदकर तैर कर बाहर उस पार निकल गए और ट्रैक्टर वाले भी, लेकिन मौके पर 5 पनडुब्बी चालू हालत में और 2 ट्रैक्टर रेत से भरे हुए बरामद किए गए। खंडवा जिले के पंदाना में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं बर्तन व्यवसायी दीपक वर्मा 2 दिन पहले अस्वस्थ होने पर उन्हें खंडवा भेज दिया गया था, जहां कोरोना वायरस लक्षण होने पर सैंपल लिया गया और इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। एसडीएम राहुल गुप्ता ने नागरवासियों की अपील जारी करते हुए बताया कि नगर में कोरोना मुक्त करने से प्रशासन का सहयोग करें। स्वास्थ्य कर्मी एवं सर्वे दल द्वारा डोर टू डोर जो सर्वे किया जा रहा है उस पर पूरी और सही जानकारी दें। पंधाना नगरवासियों को ये सूचना देना चाह रहा हूँ और एक अपील भी इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। चूँकि कल हमारे यहाँ एक पॉजिटिव केस यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है और वार्ड नंबर 10 में हमने उसी के उपरांत कंटेनमेंट जोन बनाया है, जिसमें 18 घर चिन्हित किए गए हैं और बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है। तो अब ये जो जोन रहेगा ये पूरी तरीके से इसमें आवागमन प्रतिबंधित होगा। भिंड में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पैसे के लेन देन में विवाद में 1 दर्जन दबंगों ने वेल्डिंग संचालक की दुकान में रखी लोहे की छड़ से जमकर पिटाई कर दी। इस हमले में 0.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वही पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेसिकली 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई थी, पैसे को लेके दुकानदार और एक सामने वाले पक्ष में लड़ाई हो गई है, तो उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली है। तो फरियादी जो नाम बता रहा है कम से कम 6-7 लोग हैं, वो आपने कितने लोगों में कार्रवाई की? फरियादी ने हम लोगों को जितने भी नाम बताए उस बेसिस पे हम लोगों ने कायमी कर ली है और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर चंदेरी से है, जहां टिड्डी दल का हमला लाखों की संख्या में हुआ। बेसरा गांव में होते हुए तहसील चंदेरी के नई बस्ती म्यूजियम पहुंचा, जहां देखते ही देखते 2 खिन्नी के वृक्ष पर हमला कर दिया गया। सूचना मिलते ही लोगों ने पटाखे फोड़कर थाली ढोल बजाकर भगाने का प्रयास किया। मौके पर अन्य विभागीय अधिकारी देवेंद्र सिंह के साथ कृषि विभाग की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची। जंगली पौधों को चट करने के बाद टिड्डी दल ने कई स्थानों पर फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं, कोरोना पर सबसे भरोसेमंद संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं, सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रमाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litera Zee School, Unnao, No. 1 in academics, No. 1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Litera Zee School, Unnao.
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में हर दिन कोरोना के 15,000 सैंपल जांचने की तैयारी हो रही है। प्रदेश सरकार अब कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए गांवों में डॉक्टरों को भेजकर स्वस्थ लोगों की रेंडमली सैंपलिंग और टेस्टिंग पर भी काम कर रही है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा देपालपुर के बेटवा और बेटवा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से कोरोना जाँच के लिए स्वस्थ लोगों के सलाइवा के नमूने लिए गए। बेटनों और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में परसों के दिन एक सैंपल लिए थे, 7 पुलिस वालों के लिए थे हमने, उसमें से उनकी रिपोर्ट्स आना भी बाकी है। कल आज सुबह से हमने बेटमा और उसके ग्रामीण क्षेत्रों के सैंपल लिए, करीब 4 से 5 जगहों के सैंपल लिए, जिसमें हमने टोटल 50 सैंपल लिए हैं। अभी इनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है और पुराने सैंपल्स में अभी कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आई है किसी भी पेशेंट जी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर तंजीम खान है जी, और मैं इंडेक्स कॉलेज से हूँ जी। जी जी, तो अभी जो आपका अनुसंधान चल रहा है बेटमा के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है जी? अभी मेरा अनुसंधान बेटमा ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। कल का मेरा इंदौर के क्षेत्र में था, इंदौर में सिटी में हुआ था मेरा जी। और परसों के रोज भी मेरा बेटमा में ही था। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है और हर कोई परेशान है। ऐसे में सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे जरूरतमंदों की मदद के लिए आए दिन ना कोई समाज सेवक इन लाचार बेबस लोगों को आवश्यक सामग्री दे ही देता है। ऐसा ही समाज सेवा का भाव लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी रश्मि डाबर इन दिनों गरीब मजदूरों की मदद करती नजर आ रही हैं। एसपी रश्मि डाबर लखनऊ लॉकडाउन के दौरान गीत गाकर लोगों के घरों में रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं और जरूरतमंदों को दैनिक उपयोग के सामग्री का वितरण करते हुए कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क भी हर चौक चौराहे पर बांट रही हैं। सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास किसी प्रकार की सामग्री संसाधनों की कमी रहती है, और लगातार ड्यूटी के दौरान भी और बाहर भ्रमण के दौरान भी ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो कि इस तरह के संसाधनों की जिनको आवश्यकता रहती है, चाहे वो राशन से रिलेटेड हो या तत्कालिक रूप से उनके खाने की कोई सुविधा हो या किसी प्रकार की व्यवस्था की हो। तो इस दौरान जो भी व्यक्ति हमको ऐसा ज़रूरतमंद मिल जाता है, हमारे पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनको उन संसाधनों के द्वारा से जो है उनको उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश के भिंड में मेहगांव थाना क्षेत्र में वेल्डिंग के दुकान पर एक दर्जन दबंगों ने जमकर मारपीट की। लोहे की छड़ से दुकान के अंदर और बाहर जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला ट्रैक्टर की बिल्डिंग में देरी होने के कारण बहस को लेकर हुआ। आधा दर्जन घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। वही दहशत के चलते पीड़ित थाने में शिकायत करने से भी कतरा रहे। एमपी के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के 6 गांवों में टिड्डी दल नजर आया। सिरोंज तहसील के ग्राम बमूरी शाला, ललितपुर गांव, करैया हाट, शेराखेड़ी, कोलवाखेड़ा एवं बुढ़ेना में अचानक टिड्डी दल पहुंचने से उनके नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने आमजनों से आग्रह किया कि टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने के लिए पूर्व बतलाए गए उपायों का उपयोग जरूर करें ताकि टिड्डी दल से होने वाली हानि को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की फसल खेतों में नहीं होने के कारण फसली नुकसान से सभी ग्राम सुरक्षित है, जबकि टिड्डी दल के द्वारा बड़े झाड़ों की पत्तियों को चट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की सजगता और जागरूकता से टिड्डी दल के प्रभाव को कम किया गया। टिड्डी दल इन गांवों से आगे निकल गया है और सिरोज के इन ग्रामों में टिड्डी दल के फैलने की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि टिड्डी दल के फसल के साथ साथ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि टिड्डी दल का मूवमेंट हो रहा है आसपास के जिलों में, और आज हम लोग को सूचना मिली है कि अपने यहाँ भी बहुरी सारा गाँव है वहाँ पे टिड्डी दल पहुँचा है, ऐसी सूचना मिली है। तो हमारे यहाँ से पूर्व तैयारियाँ जो थी उसमें
गांव में जागरूकता के लिए पटवारियों के माध्यम से पटवारों से हमने दोनों सरकार के आम जो गांव के निवासी हैं। अशोकनगर जिले में कोरोना से संक्रमित 7 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में डिस्चार्ज करते हुए घर पहुंचाया गया। कोरोना से वजह पाकर क्वारंटाइन सेंटर से रवाना होने के दौरान कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा, अपर कलेक्टर डॉक्टर रंजू रोहतगी, सब एसआई तथा स्वास्थ्य अमले ने पुष्प वर्षा कर एवं तालियां बजाकर सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि जिले में कोविड-19 के कुल 12 पॉजिटिव मरीज थे, जिसमें से एक महिला मरीज की मृत्यु भोपाल में हुई थी। जिला स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती 11 संक्रमित मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं और अब अशोकनगर जिला कोरोना मुक्त हो गया है। डिस्चार्ज होने के उपरांत समस्त मरीजों ने सभी चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ का आभार जताया। तक 12 रिपोर्ट्स थी, तो जिसमें से 2 पेशेंट तो ऐसे थे कि एक तो ऑलरेडी दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे जहाँ पे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहीं उनका सैंपल हुआ था और वहीं उनकी डेथ भी हुई थी। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। खबरों का सारथी, जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर। कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया, मैं हूं शुद्ध प्लस।